मंच पर विराजमान श्री अजय जी, श्रीमान जैन और सभी नौजवान दोस्तों, मैं गुजरात की धरती से आ रहा हूं, महात्मा गांधी की भूमि से आ रहा हूं और मैं सरदार पटेल की भूमि से आ रहा हूं। आजादी के आंदोलन की तरफ अगर देखा जाए तो देश की आजादी के आंदोलन को हमें स्वराज्य मिला, लेकिन स्वराज्य के बाद 6 दशक से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन देश सुराज्य के लिए चिंतित है। उसकी अपेक्षा है कि सुराज्य कब मिले, और इसलिए दोस्तों, अगर विश्व की प्रगति की जो भी यात्रा है, उस यात्रा में अगर हिंदुस्तान को अपनी जगह बनानी होगी तो पहली आवश्यकता है हम सुराज्य पे बल कैसे दें। और जब मैं सुराज्य कहता हूं तब जिस भाषा को आप समझते हैं उस भाषा में अगर कहूं तो गुड गवर्नेंस। आज सारी समस्याओं की जड़ में एक प्रमुख बीमारी है तो ये है। मित्रों, आज पूरे देश में, दुनिया में गुजरात के विकास यात्रा की चर्चा हो रही है। उस विकास यात्रा के मूल में अगर कोई गहराई से देखेगा तो एक बात पर बल दिया है और वह है गुड गवर्नेंस। और लेकिन हम एक कदम आगे हैं। मैं जब गुड गवर्नेंस की चर्चा करता हूं तो मैं अपने मॉडल की बात करता हूं तो मैं कहता हूं P2G2, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस। आमतौर पर हमारे यहां शासन फायर फाइटर का काम करता है, समस्याएं हुई शासन उसको फॉलो करता है, दौड़ता है, रास्ता खोजता है। मित्रों, शासन का काम है स्थितियों को विजुलाइज करें, नए आयामों की खोज करें, स्थितियों बदलने का संकल्प करें और उसके अनुकूल नई व्यवस्थाओं को विकसित करें। लेकिन हम पिछले 6 दशक से ज्यादा समय से देख रहे हैं कि हम उन कामों को करने में विफल हुए हैं और उसका नतीजा यह हुआ है कि आज देश के अंदर एक निराशा का माहौल है। देश निराशा की गर्त में डूब चुका है। हर किसी को लगता है यार छोड़ो क्या होना है, सब चोर है, सब बेकार है, पता नहीं यार ईश्वर की क्या इच्छा थी हमको इस देश में पैदा किया। नहीं, मैं तो यार पढ़ाई पूरी करके भागना चाहता हूं, जाना चाहता हूं, कहीं कुछ कैरियर के लिए सोच रहा है। यह आवाज सब दूर सुनाई दे रही है। मित्रों, लेकिन मेरी सोच अलग है। मेरे गुजरात के, मेरा एक चौथा टर्म है जब मुख्यमंत्री के नाते में कार्य कर रहा हूं और मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि यही कानून तो आप में से जो आशावादी होंगे
वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मित्रों, मैं ये दो रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं, मेरी तीसरी सोच है, और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है आधा पानी से आधा हवा से। मित्रों, मैं होप के संबंध में, आशा के संबंध में इतना विश्वस्त हूं, इतना आश्वस्त हूं कि हम स्थितियों को पलट सकते हैं, और इसलिए हम अवसर को खोते चले जा रहे हैं। अवसर को कैसे पकड़ना, उसको कैसे चैनलाइज करना, उसको उसमें से कैसे वेल्थ क्रिएट करना, उसमें से कैसे डेवलपमेंट करना, उस चैलेंज को हमने पूरा करना है। भाइयों बहनों, इन दिनों गुजरात की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन गुजरात ने अपनी विकास की यात्रा के मॉडल में एक बात का ध्यान रखा है, हम सिंगल पिलर पर अपना टेंट खड़ा करना नहीं चाहते, और इसलिए हमने हमारे पूरे डेवलपमेंट मॉडल को तीन आधार पर डेवलप किया है। वन थर्ड एग्रीकल्चर, वन थर्ड इंडस्ट्री एंड वन थर्ड सर्विस सेक्टर। और हमारी कोशिश ये है कि हमारे इन तीनों क्षेत्रों का विकास एक समान रूप से हो, और कभी एकाध में कोई कठिनाई आ जाए, रुकावट आ जाए, तो दूसरे दो उसको सपोर्ट करें, और इसके कारण स्टेट की इकोनॉमी कभी चरमरा न जाए, कभी संकट में न आ जाए। और मित्रों, आज मैं गर्व से कह सकता हूं, हमारे देश का एग्रीकल्चर ग्रोथ, आप तो इस क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, गूगल गुरु के शिष्य हैं, और इसलिए आपके पास हर इंफॉर्मेशन उंगली पर मौजूद होती है। 20 साल से यह देश एग्रीकल्चर ग्रोथ का टारगेट 4% तय करता है, लेकिन 2-2.5% पे आकर के लुढ़क जाता है। मित्र, गुजरात कभी एग्रीकल्चर स्टेट नहीं रहा, गुजरात यानी रेगिस्तान, और हमारी तो हालत यही है, इधर हमारे यहां रेगिस्तान, उधर पाकिस्तान। बारिश पर हमारी सारी दुनिया डिपेंडेंट है, उसके बावजूद भी मित्रों, जो राज्य 7 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर्स वाटर स्कैर्सिटी से गुजारता था, आज वो राज्य पिछले दशक में 10%+ एग्रीकल्चर ग्रोथ कर करके एक नया इतिहास रचा है। और ये अचानक नहीं हुआ है दोस्तों, इसके लिए कड़ी मेहनत की गई है। आप मीडिया के अंदर देखते हो कि मोदी का वाइब्रेंट गुजरात समिट होता है, बहुत बड़ा होता है, अभी अभी एक वाइब्रेंट समिट हो गया, दुनिया के 121 देश के लोग मौजूद थे। मित्रों, मेरा जो वाइब्रेंट समिट होता है वो सिर्फ 2 दिन होता है, और वो भी 2 साल में एक बार होता है, लेकिन मैं एवरी ईयर मई जून महीने में, जबकि गुजरात में टेम्परेचर 44 डिग्री होता है, एक महीने के लिए कृषि महोत्सव करता हूं। मेरी सरकार के 1 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी मेरे साथी गांव जाते हैं, खेतों तक जाते हैं, और लैब से लैंड तक नॉलेज ट्रांसफर कैसे करना, नए इनोवेशंस को खेत तक कैसे पहुंचाना, उसके लिए जी जान से जुटे रहते हैं। मित्रों, हिंदुस्तान के अंदर मनुष्य के पास हेल्थ कार्ड नहीं है, लेकिन गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां किसानों के पास सॉइल हेल्थ कार्ड है।
और उसके कारण उसे पता चलता है कि मेरी जमीन में क्या ताकत है, क्या नहीं है, क्या कमी है, कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए, किस क्रॉप के लिए अनुकूल है, किस सीजन में क्या करना चाहिए, वो भली भांति जानता है। हमने मित्रों जल संचय का बहुत बड़ा अभियान चलाया, 6 लाख से अधिक पानी को रोकने के लिए स्ट्रक्चर बनाए, छोटे छोटे, और गुजरात अकेला राज्य है, सारे देश में वाटर टेबल नीचे जा रहे हैं, वी आर ओनली एक्सेप्शनल स्टेट जहां वाटर टेबल ऊपर आ रहे हैं। मैं तो इसका परिणाम यह हुआ है कि आज मुझे स्मरण है मित्रों, मैं 2001-2 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बना था, तब मेरे यहां वी आर अ कॉटन ग्रोवर स्टेट, 23 लाख बेल्स कॉटन प्रोडक्शन था, 23 लाख गांठ मित्रों, और इस वर्ष हमारा कॉटन का प्रोडक्ट है 1,23,00,000 बेल्स। लेकिन अगर हम वहीं अटक जाएंगे तो मित्रों एक स्थिति ऐसी बन जाएगी कि हमारा किसान को जो मिलना चाहिए मिलना नहीं मिलेगा।